वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। मैं इस बुक रिलीज के पक्ष में आप सबका किताब के पब्लिशर बनियाजी चटर्जी और रत्न कुमार सांभरिया की तरफ से स्वागत करता हूँ। रत्न कुमार सांभरिया हमारे राजस्थान के और हिंदी के बहुत वरिष्ठ लेखकों में है, बहुत सीनियर राइटर्स में आपका नाम आता है और करीब 35 साल से राजस्थान में रहते हुए रत्न कुमार सांभरिया ने फिक्शन के फील्ड में, कथा के क्षेत्र में बहुत काम किया। आपकी कितनी किताबें हैं, कितना आपने काम किया है, ये आप जब उनको पढ़ेंगे तो इससे ठीक से परिचित हो पाएंगे। रत्न कुमार सांभरिया की कहानियां यहां तो देश भर की पत्रिकाओं में छपती रही हैं, उनकी किताबें भी हैं, यहाँ कॉर्नर में भी आप जाएंगे तो आप तो उनकी किताबें देख पाएंगे। उन्होंने एक खास तरह के संकल्प को लेकर के और काम किया है और वो संकल्प है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बेसिक वैल्यूज है, हमारी जो मूल्य परंपरा है उसको मजबूत करने का काम। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आजादी, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को हम स्थापित कर पाते हैं। हमारे समाज में एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग जिसको वंचित वर्ग कहा जाता है या जो पिछड़ा हुआ वर्ग कहिए या दलित कहिए या ऐसे तमाम लोग जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से और अधिकारों से वंचित हैं, उनके हक में बोलना, उनकी तकलीफ को वादे देना, ये एक बड़ा काम होता है, बड़ी जिम्मेदारी होता है और वैसे हर लेखक अपने स्तर पर ये काम करता है। जब तक आप पूरे जन सामान्य की तकलीफ से नहीं जुड़ते या पीपल की उस पीड़ा को नहीं समझते, आप अच्छा काम नहीं कर सकते। रत्न कुमार सांभरिया के कहानियां जो अब तक हिन्दी में और उनकी अपनी एक आंचलिक लहजे में प्रकाशित होती गई है और पाठक इससे परिचित है, वे कहानियां आप इस राष्ट्रीय परिदृश्य से आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जा रही है। इसके लिए अंग्रेजी अच्छी माध्यम है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो पुस्तकें आती है उनका एक बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार है और ऐसे जैसे पब्लिकेशन ने ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने उनकी कहानियों का एक कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें करीब 12 कहानियां हैं और इनका है बसीर बसी, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है उन कहानियों को, और उदय प्रकाश जो हमारे हिंदी के बड़े लेखक हैं उनके हाथों ये संकलन रिलीज होने जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से राइटर्स का, इन लेखकों का स्वागत करता हूं और उदय प्रकाश की से जो गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले वे किताब को रिलीज करने का काम संपन्न करें, आपके सामने इसे दिखा करके प्रस्तुत करें और फिर हम इस पर आगे बात करें। Thank you.
अपनी समाज के अपनी मतलब समाज के जो तकलीफें हैं उनको बहुत गहराई से महसूस भी किया है, उसके बारे में लिखा भी है। दलित जीवन कैसे होना चाहिए, उसके सरोकार क्या होनी चाहिए, इस पर भी सांबरिया जी ने बहुत काम किया है। तो आई रिक्वेस्ट रत्न कुमार सांबरिया टू कम ओवर हियर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपनी बात कहें आप लोगों को। फिर मैं मृदुल जी से कहूंगा कि वे अपनी ट्रांसलेशन के जो अनुभव है वो आपके सामने रखेंगे और मैं चलिए उदय प्रकाश को आप सुनेंगे न्यूज के बाद। मैं बुलाता हूँ सांबरिया जी आपके सामने वहीं से अपनी बात करेंगे। मैं लिखते समय सबसे पहले अखंडता का चयन करता हूं। अखंडता का चयन किस प्रकार से होना चाहिए, वह यह है कि जब तभी मैं कहानी को लिखने का मन बना, जिस प्रकार से एक कंजस्ट हो दुनिया पर अच्छी मंजिल नहीं बना जा सकती, उसी प्रकार कंजस्ट कहने पर कंजस्ट छीन कर जीत छीन कर इसको उसको नहीं लिखी जा सकती। मेरा जो कहानियों के पात्र हैं उनमें जीवन हो जीवन हो जीवन हो जिन कहानियों के पास वो आते थे यह समझौता पर वो मेरी कहानियों के पात्र नहीं है। मेरी कहानियों के पास संघर्ष होंगे और उनका संघर्ष उनका पात्र मेरी कहानी के पात्र है। जिन कहानियों में जिन कहानियों का चयन करता हूं उन कहानियों के लिए या उन कहानियों के विचार मैं आशा पाठक को चेतना दिया जाता हूं, क्योंकि जिस कहानी में चेतना नहीं होगी, जिस कहानी में जीवन के लिए आशा नहीं होगी, चाहे नहीं होगी, वो कहानी दी होगी। मैं अपनी जो कहानियां हैं उनमें चेतना की बात करता हूं, क्योंकि जिस समाज से बातता हूं वो एक गलती का है, वो पिछड़ा आज भी हो रहा है। तो जब दूसरे जो साहित्यकार है उनमें संघर्ष की भावना नहीं पैदा करते तो हम उसमें संघर्ष की भावना पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस साहित्य में संघर्ष की भावना नहीं होगी वो साहित्य ही नहीं होगा। यानी जो हमारा जो साहित्य है जिसको हम दलित साहित्य कहते हैं वो चेतना का नाम है, असंघर्ष का नाम है। दलित साहित्य दलित साहित्य क्या साहित्य किसरा नहीं, वो चुनौती दिखा सकता है, उसका भी हमारा भी साहित्य है। हमारा साहित्य हम उस साहित्य की बात करते हैं। मैं अगर पात्र की बात में छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छोटा सा दूर होता है छोटा सा दिन पत्थर को पत्थर अपना आकर्षण इस प्रकार से कई पात्र कितना का कमजोर है, लेकिन उसका अंतर है जो उसका अंतर का जो सहारा है वो उसमें मजबूत होना चाहिए। वैसे मेरी कहानी की बात एक बात आपने अपनी कहानियों में भी कही है और वैसे भी आप कहते हैं कि दलित साहित्य कोई जरूरी नहीं है कि दलित लोग ही लिखे, कोई भी लेखक जो एक व्यापक प्रशासन रखता है और व्यापक संवेदना रखता है वो दलितों की तकलीफ को उतनी ही शिद्दत से उतनी गहराई से लिख सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर जैसे स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि स्त्री की तकलीफ को स्त्री ही बेहतर ढंग से समझ सकती है, ये ठीक है, लेकिन एक बड़ा लेखक वो होता है जो इससे बियॉन्ड जाए। हिन्दी में या तमाम भारतीय भाषा में ऐसे बहुत लेखक है जिन्होंने दलितों की चेतना को जगाने के लिए दलितों में ये अस्पृश्यता का भाव पैदा करने के लिए बहुत काम किया है। अम्बेडकर जी ने जिस तरह के समाज की परिकल्पना की उसके लिए भी उन्होंने एक आधार भूमि तैयार की है। भारतीय भाषाओं में खासतौर से मराठी वगैरह में ये बहुत लंबी परंपरा रही है,
निपटाने जैसा बड़ा कथाकार है जिसने उस तकलीफ को कितनी गहराई में जाकर के महसूस किया और उस पर काम किया। व्यक्ति कुमार सांभरिया भी तकरीबन ऐसे ही सोच रखते हैं। ये उनके बारे में गलत सोचना है कि वे किस बात पर बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं। वो ये आग्रह करते हैं कि आप समाज में इस तरह का भेदभाव कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको एक समझ करके और उस पर काम किया जाना चाहिए। ये सांभरिया का एक बड़ा दृष्टिकोण है जो मैं समझता हूँ कि जिस हल्के में जमीन के प्रति दर्द नहीं है, वंचित के प्रति दर्द नहीं हो, वो साहित्य का साहित्य हो सकता है। यानी पीड़ा पीड़ा को उजागर करना, पीड़ा को नहीं जाना या पीड़ा को रोकने जाना, वो तो साहित्य है। इस साहित्य में संवेदना नहीं है, इस साहित्य में संरक्षण नहीं है, इस हम साहित्य कैसे मानते हैं? तो मैं एडवोकेसी से कहता हूँ, मेरे साहित्य में संवेदना भी है, सुरक्षा भी है, और साहित्य मतलब गरीब के प्रति दर्द भी पड़ा, वो दर्द भी है, और गरीब को दर्द को दी जाने की चाह भी हो सकती। एक चीज और हम सांभरिया जी से करें थोड़ा जानना चाहेंगे, आपने जो भाषा प्रयोग में किए कथा में, बेशक वो उस समाज की अपनी उसके भीतर से आती हो, लेकिन उसमें कई बार अपने को बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है। शब्दावली का प्रयोग करते हुए जिस तरह का उनका तकलीफ है, तो बहुत उस तकलीफ में बहुत तत्पुरुष और ऐसी सख्त भाषा निकलती है जिससे हम सामान्यतः बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उसने आपके अपने कार्यों से सहेगा भी है और उस सावधानी का भी ध्यान रखा है। आंचलिकता का हाँ आंचलिकता हो, अगर आंचलिकता नहीं हो तो फिर भी हम रख सकते हैं, केवल शुद्ध हिंदी में या वैसी कनिष्ठ हिंदी में लिखना ही कोई काम नहीं। आम आदमी से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए, आम आदमी की भाषा होनी चाहिए, कहीं हम उसको जो है सही पात्र तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो पाठक है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा आलोचक होता है, क्योंकि आलोचक का तो कई बार समीकरण बन जाते हैं, लेकिन पाठक का एक दूर दराज से आए हुआ पत्र ये फसल लेकर जाता है, उसकी जो आलोचना होती है वो सबकी आलोचना है, उसका जो सुझाव होता है वो सबका सुझाव होता है। तो मैं जो पाठक के जो पत्र आते हैं उसको विशेष रहते देखता हूँ और मानते हैं मेरी कहानी जी। कई बार तो पाठकों के पत्र आने के बाद मैंने कहानी को बदला सुझाव देखा। रिक्वेस्ट मृदुल बसी जी टू एलैबोरेट दी दोज रीजन विच इंस्पायर्ड हर टू टेक दिस वर्क, इसको लेने के पीछे क्या आपका सोचना रहा, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज अचीव्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। ये बहुत मुश्किल काम है और पर्टिकुलरली रतन कुमार सांभरिया की भाषा को के भाव को सुरक्षित रख के उसको सेव करते हुए और अच्छी अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना, ये बहुत कठिन काम था जो जी किया है। एक्सप्रेस मिथिला जी टू एक्सप्रेस हर एक्सपीरियंस को अचानक ही मैं बढ़ पाई और पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी उत्सुकता लगी दैट आई कुड नॉट रीड इट, आई केप्ट ऑन रीडिंग वन स्टोरी आफ्टर अनदर, दे वर वेरी ग्रिपिंग, इनफैक्ट फ्रॉम अ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे वर वेरी ग्रिपिंग एंड आई शुड जस्ट टेल यू दे आर नॉट स्टोरीज ऑफ कैरेक्टर्स हु क्राई, दे आर नॉट स्टोरीज ऑफ पीपल हु गिव अप इन लाइफ, रादर दे आर द स्टोरीज ऑफ पीपल even when they do not fight physically, their mental caliber, the strength within them is so much that they stand out. Even a small laborer, even a farmer, a little woman working in a woman who has risen from being a farm laborer to be the mother of an IAS officer or an IPS officer. You know, these various degrees in life, wherever they meet, they are very humane. They are very courageous and they are very polite also. They have a certain dignity. This really attracted me to the this literature. And when I talked to Pauline, I highlighted this thing because as a student of literature, I had read Afro-American stories, Afro-American literature, not the same literature which is the black literature. And it is so much similar to that, and I should say that
small. It's not a small world. Because though Dalits in India, Dalits would be able to make the rate of the rate so. So they have to get the bad people in first year. Who's out with you? You have asked them to do that. What parents are you talking? Ask them just to help you. Ask them when you speak to them. And with this, this amazing house is really here. So when I talk to Colony, who is the editor in chief of Hasid, told her that this genre is a new one. It's a niche literature. It's a very powerful literature. And I think what made her mind up was the thing when I compared it to Afro-American literature. She could find a kind of a corollary and a similarity between the two literatures. And we are very thankful to Hasid for that. Coming back to Sambharia-san, his literature, his stories, are very colorful and they are low in color. So, I'm maybe they can give me Antarita more strong color. This is Antarita who are beginning to do to her. Who are Antarita who are go, but will do to her like a lonely lady. Why do you think that is? That is a little bit of a lot of money. That is 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 a lot of money. उदय मैं अपनी कहानियों के माध्यम से और खासतौर से किसी तरह के पीड़ित वर्ग के बारे में जितना उदय प्रकाश ने हिंदी में लिखा है शायद हिंदी में कम लोगों ने लिखा होगा ऐसे ऐसे यूनिक पात्र दिए हैं अंतरिक्ष जैसा पात्र दिया है उदय को सुनना से आपको एक अनुभव होता है उसके बाद बहुत कुछ कहने को है इसलिए मैं अंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात लिखा है और इस कथा को और
होता है, कैसा होता है, चलेगा। तो अतीत यह था और वर्तमान यह है और उसके महल के सामने होता है। तो मुझे लगता है कि शायद सांभरिया जो समय का जो बदलता हुआ जो रूप है टाइम को लगातार देख रहे हैं और वो बार बार किसी तरह की पुरानी पुराने तरीके से उसी करीब के मानदान नहीं ला रहे हैं जो लगभग एक पोलिटिकल चीज़ रह चुके हैं। इससे राजनीति में तो फायदा हो सकता है, इससे रचना में फायदा इतना लाभ नहीं हो सकता। एक बात मुझे और कहनी है जो कि मुझे रास्ता हुई वो ये कि मैं मानता हूँ कि जो गद्य है हिंदी का वो अलग अलग होता है, राजस्थान में अलग है, जातियों के बीच भी अलग अलग होता है, बहुत अलग होता है। जो मुस्लिम जातियां हैं दलित जनों के घर में आप जाके देखिए रोटी चूल्हा घर में इस्तेमाल में होने वाले सामान है सब प्रयोग अलग सब है। अब पूरा जब आप गद्य पढ़ेंगे तो एक अलग गद्य होता है जिसे बोल रहे हैं अभूत गद्य होता है, बिल्कुल अलग गद्य है, वो आया कम है, उसको आना चाहिए। और रतन कुमार सांभरिया से यही आग्रह करूंगा कि वह अब फिर लिखे और हमको अब मैं चाहती हूँ वाला कि कोलंबस में जाकर जैसे कंटेंट किसी और चला गया और आगे पहुंच गया वो ज्यादा भारत के लिए बहुत डैमेज है। मैंने पहली बार पढ़ाई को डाल दी और मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम यह कहानी आप छोड़ नहीं सकते हैं और ये कहते हैं प्यार बहुत बहुत ही सोच करके लगता था मुझे हंसी आ रही क्योंकि जो एक बार मुझे याद है कि किसी ने दूसरे लड़के में भेज दिया गुलशन नंदा से उसने आखिर में पूछा जरूरत है कि अब क्या कोई नया ब्लॉग सोच रहे हैं आप क्या तुरंत घर के जो रेट्स क्या कर रहे हैं नंदा के तो मुझे नहीं लगता मैं कभी नहीं सोचता कि ब्लॉग क्या है लेकिन बहुत सोचा है कि सोच रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा लिखेंगे बहुत सारी चीज़ें अच्छी काम में ये बहुत सुंदर मेरी पहली कहानी स्वागत हुआ है और कार्यक्रम में भी गई है और दूसरी भारतीय भाषाओं में बहुत ट्रांसलेट हुआ है भाषाओं जो कि सबसे बड़ी बात है और एक बड़े संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार देश को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं कि आप सबकी अंग्रेजी जो है वो एक दरवाजा है और मेरा बहुत विरोध होता है। मैं कहता हूँ जो जो हो सकता है आजादी के पहले हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है तो वो देखते हैं लेकिन अब अंग्रेजी अंग्रेजी एक तरीके है जो बहुत सारी अच्छी विशेषताओं को और बाहर ले गए और यह काम और अधिक होना चाहिए बार बार होना चाहिए और इसका कई पब्लिक सेक्टर के सामने आ रहा है। Thank you.